नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं क्रिकेट मसाला यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और आज अपन बात करने वाले हैं आईपीएल में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों के बारे में। तो यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग ने पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 122 रनों की पारी खेली, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। इन्होंने अपनी पारी के दौरान 58 गेंदों का सामना किया जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इनका स्ट्राइक रेट रहा 210.34 का। इन्होंने ये पारी खेली 30 मई 2014 को और ये पारी आई वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में। नंबर नौ पर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मात्र 59 बॉलों पर 126 रनों की पारी खेली। इन्होंने इस पारी के दौरान 10 चौके और 8 छक्के लगाए और इनका स्ट्राइक रेट रहा 213.55 का। ये पारी इन्होंने खेली 30 अप्रैल 2017 को और वेन्यू था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। अब अपन बात करते हैं नंबर 8। तो नंबर 8 पर आते हैं मुरली विजय, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मात्र 56 गेंदों पर 127 रनों की पारी खेली। इन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 11 छक्के लगाए तथा इनका स्ट्राइक रेट रहा 226.78 का। ये पारी इन्होंने खेली 3 अप्रैल 2010 को, जो कि वाकई में बहुत ही शानदार बात थी। और इन्होंने जिस मैदान पर पारी खेली उस मैदान का नाम था एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई। तो इनकी पारी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अब आते हैं नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर आते हैं दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में कप्तान है ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मात्र 63 बॉलों पर 128 रनों की नाबाद पारी खेली, जो कि वाकई में एक शानदार बात है। और इन्होंने अपनी पारी के दौरान 15 चौके तथा 7 छक्के लगाए। इनका स्ट्राइक रेट रहा 203.17 का तथा इन्होंने ये पारी खेली 10 मई 2018 को, वेन्यू था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। अब आते हैं अपन नंबर 6 पर। तो नंबर 6 पर आता है नाम क्रिस गेल का, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हुए मात्र 62 बॉलों पर 128 रनों की पारी खेली, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। इन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके तथा 13 बहुत ही लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए। इनका स्ट्राइक रेट रहा 206.45 का और इन्होंने ये पारी खेली 17 मई 2012 को, वेन्यू था अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। और हाँ, एक खास बात, इन्होंने भी अपनी पारी 128 रनों की नाबाद खेली, यानी कि ऋषभ पंत और क्रिस गेल दोनों ने नाबाद पारी खेली। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आते हैं मिस्टर 360 के नाम से दुनिया में मशहूर एवी डिविलियर्स। तो एवी डिविलियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हुए गुजरात लायंस के खिलाफ मात्र 52 गेंदों पर 129 रनों की नाबाद पारी खेली और इन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके तथा 12 गगनचुंबी छक्के जड़े। इनकी पारी आई 14 मई 2016 को और इन्होंने जिस स्टेडियम में ये पारी खेली उस स्टेडियम का नाम है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। अब आते हैं अपन नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर आते हैं केएल राहुल, जिन्होंने पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 132 रनों की पारी खेली और ये पारी आई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ। इन्होंने 132 रन बनाए मात्र 69 बॉलों पर। इनकी पारी के दौरान 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इनका स्ट्राइक रेट रहा 191.30 का। और हाँ, ये पारी इन्होंने खेली 24 सितंबर 2020 को, यानी कि पिछले ही साल, और वेन्यू था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। तो इनकी पारी के लिए यार एक लाइक तो बनता है, वो भी दिल से। तो राहुल की पारी के लिए एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अब आते हैं अपन नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर फिर से आते हैं मिस्टर 360, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हुए 133 रनों की नाबाद पारी खेली और ये पारी आई मुंबई इंडियंस के खिलाफ। इन्होंने 133 रन बनाए, वो भी मात्र 59 बॉलों पर।
और इस पारी के दौरान इन्होंने 19 चौके लगाए तथा 4 छक्के जड़े। इनका स्ट्राइक रेट रहा 225 का तथा ये पारी आई 10 मई 2015 को। वेन्यू था वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई, यानी कि मुंबई के ही घराने में जाकर इन्होंने बहुत ही शानदार शतक लगाया, और शतक नहीं लगाया, मुंबई को धो डाला, जो कि वाकई में बहुत ही शानदार बात है। अब आते हैं नंबर दो पर। तो नंबर दो पर आते हैं ब्रेंडम मैक्कुलम। ब्रेंडम मैक्कुलम ने कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मात्र 73 बॉलों पर 158 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके तथा 13 छक्के लगाए, और ये पारी आई 18 अप्रैल 2008 को। यार वाकई में आईपीएल के पहले सीजन में मुझे ये पारी सबसे बेस्ट लगी। इनकी इस पारी के दौरान इनका स्ट्राइक रेट था 216.43। तो ब्रेंडम मैक्कुलम न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, और ये बहुत ही धाकड़ ओपनर कहलाते हैं और कहे जाते हैं। और ये पारी इन्होंने खेली एम ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जो कि बेंगलोर में स्थित है। अब आते हैं नंबर एक पर। तो नंबर एक पर आते हैं यूनिवर्स बॉस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर क्रिस गेल। क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मात्र 66 बॉलों पर, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 66 बॉलों पर 13 चौके और 17 छक्कों की मदद से 175 रनों की नाबाद पारी खेली, और इनका इस पारी के दौरान स्ट्राइक रेट रहा 265 का, जो कि वाकई में एक बहुत ही मतलब गजब वाली बात है। इन्होंने ये पारी खेली 23 अप्रैल 2013 को, और वेन्यू था एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरी। यानी कि यार चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो से लेते हैं अलविदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।